तो वेलकम सभी को फिट विद ताज के नए वीडियो में। तो वीडियो अपलोड किए काफी टाइम हो गया है और चीजों की वजह से, क्योंकि मैं चाहता था पहले से कुछ अलग वीडियो निकालूं। आज का हमारा टॉपिक है बिल्ड बिगर चेस्ट। तो चेस्ट की कुछ 5 एक्सरसाइज मैं बताऊंगा, तो तुम इजीली उस एक्सरसाइजेस को करके अपनी चेस्ट को इजीली ग्रो कर सकते हो। तो ये 5 एक्सरसाइज जो मैं बताने जा रहा हूँ, ज़्यादा लंबा मत रखो चेस्ट सेशन, लेकिन जो चेस्ट की तुम्हें जो मेन एक्सरसाइजेस जो करने चाहिए वो करो। तो चेस्ट क्या है, थोड़ी अपर चेस्ट की ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे और उसकी भी मैं चीज़ें लाता रहूँगा बीच बीच में, और भी वीडियोज़ लाऊँगा। तो आज की जो है, आज हम तो अपर चेस्ट को ज़्यादा टारगेट करेंगे अपनी, क्योंकि अपर चेस्ट ही हमारी सबसे ज़्यादा एस्थेटिक लगती है, इस ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलो बताता हूँ। और तुम्हें भी पता है कि मेरी भी, मतलब मेरी जो फिजिक है पहले कुछ नहीं थी, और मैंने जो भी किया तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें नॉलेज लेनी पड़ेगी, क्योंकि बिना नॉलेज के मैं मानता हूँ इस फिटनेस में कुछ नहीं है। अगर जितनी ज़्यादा तुम नॉलेज लेते जाओगे ना उतनी ज़्यादा तुम्हें, क्योंकि मेरे को पहले खुद ही नॉलेज कुछ नहीं थी, मेरे को 4-5 साल पहले मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी, मुझे पता है। तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं थी इस फिटनेस को लेके, बस मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया वही 3-4 साल पहले जो भी है, तो वो जिम जाना स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद जब नॉलेज ही नहीं है तो तुम कहाँ, मैं सच बता रहा हूँ, मगर तुम्हारे पास कुछ नॉलेज नहीं है तो तुम इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आज का ये टॉपिक है तो बिगर चेस्ट। चेस्ट वैसे मैं पहले भी ट्रेन करता था, लेकिन पिछले कुछ टाइम से मेरे चेस्ट में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं और उसकी मैं फिजिक दिखा दूंगा। और मेरे चेस्ट में काफ़ी पिछले कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा चेंजेस है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें गलत करता था और कुछ चीज़ें सही भी करता था, तो मैंने वो सब गलतियाँ चेंज करके और बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं। चेस्ट की फिजिक है वो भी मैं तुमको दिखा देता हूँ। तो बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं मेरी बॉडी में, मैं मानता हूँ पिछले कुछ टाइम से। तो उनमें से कुछ एक्सरसाइज जो आज मैं बताने वाला हूँ मेन, जो तुम उस सब एक्सरसाइजेस को फॉलो करोगे तो तुम्हें रिजल्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ और दिखाता हूँ जिम से सीधे वर्कआउट। जिम पहुँच चुका हूँ, आज 22 जैन है। गाना सुन लो तुम। तो आज पूरे जिम में कोई नहीं, एक ही दो लोग मिलेंगे पूरे जिम में मुझे, तो कोई नहीं है लगभग, गायब। और ठंडी भी थोड़ी इस टाइप की कि किसी का मन ही नहीं करता जिम आने का, लेकिन भाई मुझे तो आना है जिम और मुझे करना है जिम, और वीडियोस नहीं आ पाई किसी चक्करों में। चलो एज वार्म अप करके स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट एक्सरसाइज से। तो पहली एक्सरसाइज मैं स्टार्ट करूंगा इंक्लाइन बेंच प्रेस से स्टार्ट करूंगा। चलो
बस हो गया डन। और इंक्लाइन बाबा प्रेस में मैं जो मैंने बताया कि स्लो ले जाना नीचे और स्लो प्रेस करना, तो ज़्यादा अच्छा चेस्ट पे आएगा। और ट्राई करना कि चेस्ट से ही प्रेस करो। और चार सेट के बाद, तीन सेट के बाद एक ड्रॉप सेट भी ऐड कर लिया मैंने, क्योंकि अगर तीसरा सेट बेकार ही हो, ड्रॉप सेट ऐसा वेट करना कि जो तुमने वेट कभी लगाया ना हो। चेस्ट और शोल्डर का थोड़ा रेस्ट देने के लिए मैं जाऊँगा लगाने डिक्लाइन केबल फ्लाई, और उसके बाद डंबल प्रेस और डंबल फ्लाई। चलो, तो दूसरी एक्सरसाइज केबल फ्लाई। तो केबल फ्लाइज में भाई बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं लोग, कोई हाथों को आगे करता है, कोई हाथों को नीचे करता है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एंगल पड़ जाता है। लेकिन इसमें मैंने जिस तरीके से करके दिखाया है उस तरीके से तुम देखो और उसी तरीके से करना चेस्ट ग्रो करने, क्योंकि चेस्ट अप रखना इसमें और हाथों को थोड़ा सा नीचे लाना, जिससे पूरा और हाथों को थोड़ा स्ट्रेच करना यहाँ से, जिससे इजीली तुम्हारा चेस्ट स्ट्रेच होगा, अच्छा कॉन्ट्रैक्शन। तो बस सिंपल चेस्ट के लिए इतना है, और बस और रेपिटेशन तुमको लगाना है। तो इसमें भी रहेंगे, मतलब चार सेट्स रहेंगे इसके भी, और चारों लो से हैवी जाना है, और लास्ट सेट में तुम्हें भी ड्रॉप सेट लेके रेपिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है। वापस से अपर चेस्ट की एक्सरसाइज पे जाऊंगा, तो आज मैं करूंगा प्रेस, इंक्लाइन डंबल प्रेस। और मैं चीज़ें चेंज करता रहता हूँ हर वीक में, कि कभी डंबल प्रेस लगाया और फ्लैट डंबल प्रेस, और कभी कभी इंक्लाइन डंबल प्रेस, तो चीज़ें चेंज करता रहता हूँ, उन चीज़ों के हिसाब से मैनेज करता हूँ। तो किसी एक वीक में ऐसा रखता हूँ, किसी एक वीक में चेंज करता हूँ। उसके साथ ही हमें पहले डंबल प्रेस करना है, और उसके बाद तुरंत चेंज करके हमें डंबल फ्लाई लगाना है, इंक्लाइन डंबल फ्लाई। ये दोनों एक्सरसाइज का सुपर सेट टाइप, और इसमें ज़्यादा हैवी भी मत जाना, बस ये है कि रेपिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा आने चाहिए, कम से कम 15 से 20 रेपिटेशन तो आने ही चाहिए सारे सेट्स में। ठीक,
तो एक लास्ट एक्सरसाइज जिसका मैं ब्रैकेट सेट जैसा बना के क्या जिसको करता हूँ परफॉर्म, एक पैरेलल डिप्स, अगर तुम चाहे तो वेटेड अगर कर सकते हो तो वेटेड करो, अगर तुम नहीं कर पाते हो कोई दिक्कत नहीं, बस तुम्हें पैरेलल डिप्स ये रखना है कि तुम्हें 12-14 से 12 रेप की मैं तुरंत पैरेलल डिप्स परफॉर्म करने के बाद मैं लगाऊंगा एक पुशअप, और पुशअप में भी कम से कम 14 से 12 रेप के बीच में रेपिटेशन रहने ही रहने हैं। तो तुरंत मैंने पैरेलल डिप्स किया और उसके बाद तुरंत ही मैंने पुशअप किया, तो ये दोनों का सुपर सेट टाइप समझ जाओ, और उसके बाद ये करके हमारा हो गया चेस्ट सेशन आज का डन। ये है कि हमें रेपिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है फेलियर तक, और हर सेट में फेलियर तक जाओ, क्योंकि फेलियर तक जाओगे तभी बहुत अच्छा। और एक और जो पार्ट, तो आज का सेशन के लिए इतनी एक्सरसाइज बहुत है और इससे मतलब बनता नहीं, इससे जो भी ये बताओ तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और तो अगली वीडियो भी मैं लेके आऊंगा एक चेस्ट के ऊपर ही, लेकिन वो अगली वीडियो में कुछ अलग एक्सरसाइज होंगी और अलग मसल को हिट करने के लिए। तो आज का मेन टॉपिक था हमारा अपर चेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा हिट कर पाए। वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ भाई सब मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और बहुत जल्द एक और वीडियो आने वाली है, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।